इटावा में चला बाबा का बुलडोजर 5 अवैध कॉलोनियों पर चली। बड़ी खबर, इटावा जिले में बिना नक्शे पास कराए जा रही आवासीय प्लाट को पुलिस प्रशासन की टीम ने पहुंच कर ढहाया। इकदिल और फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र गुरुवार को एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने कुल 5 कॉलोनियों पर जेसीबी चलवाई। शहर में धड़ल्ले से बिना नक्शा बनवाया आवासीय प्लाटिंग का काम किया जा रहा था। शिकायत डीएम अवनी से की गई। डीएम के निर्देश पर एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने एसडीएम विक्रम राघव पीओसीडी अमित सिंह की टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गुरुवार दोपहर टीम सबसे पहले फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के सुंदरपुर में धर्मेश्वरी आवासीय कॉलोनी में पहुंचे। यहां नक्शे से जुड़े कोई प्रपत्र न दिखा पाने पर अधिकारियों ने जेसीबी से प्लॉटिंग के लिए कराई गई बाउंड्री आदि को तोड़वा दिया। इसके बाद सुंदरपुर में ही कैंची धाम सरोजनी हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचकर भी कार्रवाई की। टीम थोड़ी देर बाद इकदिल थाना क्षेत्र में राम आवासीय कॉलोनी, वमनपुर, भगवतीपुर, ब्रजधाम आवासीय कॉलोनी, कशपुरा, एसबी आवासीय कॉलोनी वमनपुर भी पहुंची। यहां पर भी नक्शे से जुड़ी कोई प्रपत्र न दिखाए जाने पर सभी जगह जेसीबी ने निर्माण तोड़वाया।